पहले तो मैं अपने सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, 2019 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया ये मूवी जो है वो आरआर बैनर के तले बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर है मिस्टर राज राजपूत सिंह। आरआर बैनर के तले ये फिल्म बन रही है, डायरेक्टर भी है मिस्टर राज राजपूत सिंह। और आज यहाँ पर गाने की जो है रिकॉर्डिंग हुई है, शाहिद जी ने गाना गाया है, बहुत ही बेहतरीन सिंगर है बॉलीवुड में, कई फिल्मों में हैरी मेट सेजल डिशूम से लेके बहुत से फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं। तो मैं इस वक्त मैं इस फिल्म में लीड कर रहा हूँ, मेरा नाम एक्टर विशाल देसाई है और मैं इस फिल्म में लीड कर रहा हूँ। इस फिल्म का मैं मुख्य हीरो हूँ, यानी कि लीड एक्टर। तो ये जो फिल्म है इसकी जो अर्निंग होगी ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जो 25% की जो इनकम होगी मूवी की वो जाएगी हमारे देश के किसान और जवानों की फैमिली को, बिकॉज ये समाज के लिए हमने एक मैसेज भी छोड़ना है, बिकॉज हम हमारे मूवी के द्वारा ही कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी कंट्री को। इस फिल्म का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनक्रेडिबल का मतलब होता है यू नो इनक्रेडिबली वेल, जो कि अविश्वसनीय होता है। तो हमें भी कुछ ऐसा हमारे समाज के लिए काम करना चाहिए, तो वी आर प्राउड ऑफ इट। और ये जो आइडिया है हमारे जो प्रोड्यूसर मिस्टर राज राजपूत सिंह, ये इनका आइडिया है, जो इस बार डायरेक्टर भी होंगे मूवी के। और पहली बार कैरेक्टर लॉन्च भी हुआ है कलाकारों को लेकर, ये बहुत से बड़ा अलग है, उसके आगे क्या कहना है? नई सोच है बहुत, आई डोंट नो किसी ने पहले ऐसा किया है या नहीं किया है, बट हमारे प्रोड्यूसर की जो सोच है वो हमेशा अनोखी और नई होती है। और ये हुआ था पिछले यू नो दिसंबर में हुआ था, ये 12 दिसंबर को हुआ था, मुंबई के अच्छे होटल में हुआ था और बहुत सारे लोग आए थे उसमें। मुश्ताक खान जी थे, अली खान जी थे, सुनील पाल जी थे, मैं खुद था एंड बहुत सारे लोग थे। और कैलेंडर लॉन्च सारे कलाकारों का हुआ है, तो ये बहुत ही ऑनर की बात है किसी भी एक्टर के लिए। सो आई एम रियली थैंक एवरीबडी, जितने भी प्रोड्यूसर है हमारे, मतलब राज राजपूत जी और जो भी, सारे लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है, बहुत कम लोग एक्चुअली हो ये रहा है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है एज एन एक्टर, हो ये रहा है कि आजकल जो मार्केट इंडस्ट्री हो गई है तो इसमें बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि हमें ऐसी देशभक्ति की फिल्म बनानी चाहिए। रिसेंटली एक फिल्म आई थी जेपी दत्ता साहब की भी, और अब वो एक बनाते हैं आई थिंक आई सलीम फिल्म, और ये दूसरे हमारे जो प्रोड्यूसर है वो इस तरह की सोच रखते हैं कि हमें देश के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन देश है। मैं गर्व करता हूँ कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी की जो सेना है हमें उन पर गर्व है, हमें उनका मोराल अप रखना चाहिए, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हम अगर फिल्मों के द्वारा अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हम, लेकिन एक छोटी सी उनको भेंट है और उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हर प्रोड्यूसर को साल में कम से कम एक आधी फिल्म ऐसी बनानी चाहिए देश के लिए। थैंक्स। मैं विजय सिंह पटेल प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और आज जो है 3 जनवरी का दिन है, सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से नववर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, आज जो है सावित्री बाई फुले जी का जन्म जयंती है जो 3 जनवरी को है, मैं उनको दिल से जो है कोट कोट नमन करता हूँ। वो जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारिका थी, और जो है वो एक मराठी कवित्री भी थी, इसलिए उनको दिल से शुभकामनाएं और कोट कोट नमन। और ये हमारी फिल्म जो है इनक्रेडिबल इंडिया, जिसके प्रोड्यूसर हैं राज राजपूत सिंह जी और रेणुका राजपूत सिंह जी, जो हमारे अग्रज हैं, उनकी देखरेख में मैं जो है यह काम कर रहा हूँ। उन्हीं की देन है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ और अपने वर्क को कर रहा हूँ। जी, इसके लिए तो मैं कितना भी बोलूं फिर भी कम है कि हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर सर जी राज राजपूत सिंह और रेणुका मैम जी ने इतना बड़ा सोच अपने मन में रखा जो है, और उस काम को कर भी रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहते हैं सभी मीडिया बंधुओं को, मैं दिल से भूल गया था धन्यवाद बोलने के लिए, धन्यवाद बोलता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह जी और जो है रेणुका राजपूत सिंह जी ने एक फिल्म पहले बनाई थी, 24 अगस्त को रिलीज हुई थी जो फिल्म, उसमें जो है
25% जो इनकम हुआ था उसका 25% योगदान देश के किसानों को और शहीद हुए जवानों को घर दिए, उनके घर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और उनका ये कहना भी है कि जो फिल्म ये बन रही है हमारी इनक्रेडिबल इंडिया, इस फिल्म के आय से इनकम से जो भी होता है उसमें से भी 25% दान जरूर देंगे किसानों के घर और शहीदों के घर। ये एक जो है खूबी है, ये बड़प्पन है हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह जी का। इतनी बड़ी सोच आज के दिन में कोई नहीं लेके चलता। और एक बात बताना चाहते हैं कि ये हमारी आर फिल्म जो बैनर है रेणुका राज राजपूत सिंह बैनर, इस फिल्म को लेके अभी जो है 12 दिसंबर को कैलेंडर लॉन्च किए हैं। चाहे वह छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर एक्ट्रेस, सबके नाम से जो है कैलेंडर लॉन्च किया। ये हमारी समझ से, हमारी सोच से पहली बार ये आरआर फिल्म बैनर रिकॉर्ड यह अपने नाम किया है, आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं किया। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को और यहाँ पर आए बॉलीवुड स्टार कलाकारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम नागेंद्र कुमार पटेल, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ। जी, ये फिल्म जो है नाम से ही जो है एक यूनिक है, इसका अद्वितीय फिल्म जिसे बोला जाता है, इसकी जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। और ये फिल्म जो है देशभक्ति पे बन रही है, इस फिल्म को सभी लोग देख सकते हैं। ये फिल्म का प्रॉफिट जो है, मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा मिस्टर राज सिंह राजपूत सर और प्रोड्यूसर मिसेज रेणुका सिंह राजपूत जी का, जिनकी इतनी बेहतर सोच है कि इस फिल्म का 25% देश के जवानों और किसानों को देते हैं। अभी इससे पहले बदला हिंदुस्तानी का उन्होंने जो फिल्म बनाया था उसका भी 25% देश के जवानों और किसानों को दिए थे, और 10% केरल जो बाढ़ पीड़ितों को दिया गया था। तो ये सोच बहुत ही अच्छी है, देश के जवान जो हैं वो गोली खाते हैं सीने पर, वहाँ पे बॉर्डर पे डट के हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं। और हमारे देश के किसान जो हैं वो अभी देखा जाए तो देश के किसानों की वजह से 70% इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारे देश के किसानों की वजह से ही चलती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मेहनत करते हैं, अन्न देते हैं तब हम लोग जाके खाते हैं। तो ये इतनी बेहतर सोच है, मुझे लगता है कि मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा जो इस लायक हैं, अगर वो इस चीज़ को समझें देश के जवान और किसान के प्रति, तो हमारे देश की कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी। थैंक यू। शुभकामनाएं सब मीडिया भाइयों को, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। पहली बात तो हम ऐसे जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, हम लोग जुड़े गए। हमारी तो बात मेरे लड़का विशाल देसाई की तरफ से, उनकी दोस्ती हुई जो जैसी भी बात, पहले पिक्चर उनके आई थी बदला हिंदुस्तानी का, उस वक्त से मतलब उन्होंने विशाल देसाई को जिस तरह का काम देखकर उनको सराहना। और दूसरी बात हो गई कि अच्छा जो उन्होंने जो उनके दिमाग में कंसेप्ट है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनको कुछ अपने इनकम से 25% में उसमें देना है, आज तक हमने मतलब मेरे लाइफ में आज तक मैंने सुना नहीं कोई इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री वाले ने आज तक किसी को ऐसा अपने इनकम से किसी को कुछ दिया है। तो इनकी एक अच्छी सोच है कि ये इन्होंने जो सोचा है कि 25% जवानों को और अपने किसान भाइयों को जो पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ऐसी सोच सबने करना चाहिए। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा एक रोल दिया है कि भाई कुछ ना कुछ आपको भी करना, जरूर करूँगा। मैंने बदला हिंदुस्तानी में मैंने लड़के का पिताजी का ही काम किया हूँ, तो ऐसा इसमें भी मुझे थोड़ा कुछ दिया होगा काम उनका, अभी तक मुझे क्या है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है अतुल्य भारत, यानी जो अच्छा मैसेज देता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अच्छे से जो भी अपनी मन की भावना है, जो व्यक्ति जो आदमी बोल नहीं सकता वो आदमी इस माध्यम से बोल रहा है। आज हम बैठे आपके सामने तो हमको हमारा तो खुशनसीबी है कि आप मतलब हम आज बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लोगों को, नए कलाकारों को। नमस्कार, सर्वप्रथम मेरा नाम गुलाब सिंह पटेल है, जो इलाहाबाद प्रयाग नाम से अब जो जाना जाता है, और इस फिल्म के बारे में हम कहना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आए मीडिया बंधुओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और ये फिल्म अच्छी है इनक्रेडिबल इंडिया, जो फिल्म हमारे प्रोड्यूसर राज सिंह राजपूत
और रिंकू सिंह राजपूत डायरेक्टर राज सिंह राजपूत जी हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, ये फिल्म कितना ज़्यादा जरूरी है आपके करियर के हिसाब से, और इतनी अलग हटके फिल्म है, इसका बहुत सारा हिस्सा देश के हित में जाने वाला है। हाँ, ये फिल्म जो हटके बहुत बढ़िया फिल्म है, ये हमारी इनक्रेडिबल इंडिया, और जो 25% जो हमारे राज सर की सोच है गरीब किसान और देश के जवानों को दे रहे हैं, उनका सोच बहुत बढ़िया है, और हम उन राज सर की सोच को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस मूवी में काम कर रही हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया जो है एक अलग लीग से हटकर मूवी है, जिसमें एक नए आर्टिस्टों के साथ ही कुछ एक विशेष बात है जो आजकल की किसी भी फिल्म में नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो इसका 25% पार्ट है वो दूसरों को दिया जा रहा है, दूसरे मीन्स गरीब किसानों को, देश के सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। ये पहल हम लोगों को, सभी लोगों को करनी चाहिए। जी, इसमें सबसे बड़े कार्य ये है कि एक तो इसमें नई कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर कलाकार को एक विशेष रिस्पेक्ट दी जा रही है। रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से हर मूवी में हर कलाकार को नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो एक विशेष बात है कि जो एक देशभक्ति का भाव है, एक साफ सुथरी फिल्म है जो परिवार के साथ बैठ के देखने के लायक है, और ये फिल्में ऐसी बहुत कम मिलती है जो आजकल हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आपके बारे में जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो काफी यूनिक है, देशभक्ति फिल्म है, और इसका काफी सारा जो आमदनी होगा वो देश के हित में जाएगा। सबसे पहले मेरा आप सब लोगों को नमस्कार और नए साल की सभी लोगों को बधाई। और मेरा नाम उदय शर्मा है और मैं इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार के साथ जुड़ा हूँ, एक्टर भी हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ इस फिल्म का। राज्य के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और ये फिल्म हमारी देश के ऊपर ही है, जो कि हमारे एक बॉर्डर की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और हम यही कहेंगे कि जो फिल्म बना रहे हैं, हमारे इस फिल्म में 64 एक्टर हैं, जो कि हमने वन डे टू डे से लेके करेक्टर से लेके सभी का, आप देख रहे हैं, पोस्टर भी है, डिजाइन भी है, सब लोगों को काम एक साथ लेकर चले हम एक परिवार जैसे। तो हम यही चाहते हैं हमारी ये फिल्म अच्छी बने, और राज राजपूत जी और रेणुका मैम को बधाई देता हूँ कि हमें इस प्रोजेक्ट में अपने साथ जोड़ा और उनके साथ में काम करो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें राजपाल जी हैं, मुश्ताक जी हैं, अली जी हैं, दिलीप केदार, काफ़ी एक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और आज हमारे यहाँ पे अलका याग्निक के स्टूडियो में हमारा गाना रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि इसके पहले राजा हसन जी गा कर गए और अभी शाहिद माल्या जी आकर गए, तो बहुत ही अच्छा लगा इस गाने को रिकॉर्डिंग करके। और भी हमारे 6-7 गाने हैं जो रिकॉर्डिंग होंगे अलग अलग स्टूडियो में, तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। आसिफ जाकिर जी, और ये हमारे पोस्ट प्रोडक्शन एडिट संभालते हैं जो परवेज आलम जी हैं, बहुत अच्छी हमारी टीम है, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ सवाल करना चाहते हैं आप हमारे म्यूजिक डायरेक्टर से? लास्ट में मेरा यही कहना है कि सभी मीडिया बंधुओं को मंगल कामनाएं, दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो, आप सब अपना वर्क बहुत तेजी से करें, हम लोग को आगे बढ़ाएं, यही कामना। इसी बात की मिठाई खिला देते हैं आप सभी लोगों को, खिला देंगे। ओके, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ थ्रू आसिफ जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर है। एंड आसिफ जी का फ़ोन आया तो अचानक से बोला कि मूवी है, तो आके पता चला कि काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी सुना इनके मूवी के बारे में। एंड इनक्रेडिबल इंडिया मूवी का नाम है। एंड जस्ट अ सेकेंड, यस, राज सिंह राजपूत एंड प्रियंका सिंह रेणुका सिंह, मुझे याद है। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड ये बहुत ही प्यारी मूवी है इनक्रेडिबल इंडिया, जिस मूवी में मैं जुड़ी हूँ थ्रू आसिफ जी, जो इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर है। एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राजपूत सिंह,
right? Raj Rajput Singh and another producer, Renuka Rajput Singh ji. Thank you so much for both of them, jo unhone mujhe is movie mein gaane ke liye select kiya hai. And gaana bahut pyara hai, maine jo sabhi suna. And kya kehte hai, I hope ki ye gaana kafi, you know, aage acche se market mein ye hoga, logo ko pasand aayenge. Just hope for them. और ये पेट्रियोटिक फिल्म है, इसका काफी सारा जो इनकम होगा, उसका जो पर्पस है कि वो देख के एग्जिट में जाए, उसको एनालाइज करते हैं. पैट्रियोटिक फिल्म तो आजकल बहुत ही कम बनने लगी है जहाँ तक मुझे पता है. एंड अच्छा लग रहा है कि एक पैट्रियोटिक फिल्म है. इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक दूसरे उसके लिए भी गाया था, पैट्रियोटिक मूवी के लिए भी गाया था. एंड दिस इज़ माई इसी साल, एक्चुअली ये इस साल में मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग है. सो आई एम एक्साइटेड एंड अच्छी मूवी है, आई होप सबको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो सारे देशवासियों को मैं हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और एक म्यूज़िक कंपोज़र के नाते हम लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं. आज हमने शाहिद मालिया जी को और शरोदी बोरा जी को गाने गवा रहे हैं, हनी भी उनको गवा रहे हैं. तो बहुत अच्छा गाना बना हुआ है. और राज सिंह राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस फिल्म में हमें मौका दिया है. और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इस फिल्म का 25% जो है गरीब किसानों को, जो आत्महत्या कर चुके उनके परिवार वालों को और खेतीहर मजदूरों को, वो अपने इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा दान देंगे फिल्म के.